अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक निगत्स किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? रमज़ान की रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं। आज डिनर की रेसिपी है और ये ऐसी रेसिपी है जो सभी शौक से खाते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सादा तरीके से बनती है, ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं इसमें डलते हैं। एक मेरी दोस्त थे पठान, उन्होंने ही मुझे ये डिश सिखाई है और उन्हीं की रेसिपी है। ये ऑथेंटिक काबली पुलाव की रेसिपी है और ये उन्होंने मुझे सिखाई है। और जैसे काबुल के लोग बनाते हैं, सेम वही चीज़ ये है और बहुत सिंपल और सादा और बहुत मज़े की। आइए मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होंगी। जी, इसमें आधा किलो चावल मैंने लिए हैं बासमती राइस, और आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मटन मैंने लेकर उसमें नमक डालकर मैंने बॉईल किया है, और इसके अलावा और कुछ इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि इसमें कोई गरम मसाला नहीं, साबित धनिया ज़ीरा कुछ भी नहीं जाएगा। और ये तीन गाजरें हैं, इसको बारीक इस तरह काट लिए, ये ऐड में जाएगा। और तीन टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक बड़ी प्याज है उसको इस तरह काट लिया है, और जो ख़ास चीज़ है ये किशमिश, ये ब्लैक वाली आपने लेनी है, दूसरी जो होती है वाइट कलर की या पिंक जो है वो नहीं इसमें चलेगी, ये इसमें डाली जाती है, इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर है। आधी प्याली ऑयल है क्योंकि आधा किलो चावल है, और ये हरी मिर्चें मैंने 8-10 पीस के रखी हैं लेकिन ये मेरी बिल्कुल फीकी हैं, और ये ज़ीरा है कुछ थोड़ा थोड़ा मोटा, इसको मैंने पीस लिया है, ये ऐड होगा। और इसके अलावा और कुछ ऐसे कुछ खास कोई चीज़ नहीं चाहिए खास। सारे इंग्रेडिएंट दिखाए हैं, उसके अलावा एक नमक है और ये एक हम क्यूब इस्तेमाल करेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। इस्लामाबाद के जो लोग हैं और ये पेशावर के, यहाँ के लोग ज़्यादा ही पसंद करते हैं, कराची के लोगों को शायद इतनी पसंद ना आए, लेकिन ये कि जब मैंने वहाँ पर बनाई अपनी अम्मी के घर तो वहाँ सबने बहुत शौक से खाई, कहने लगे कि ये बहुत डिफरेंट है और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। जिस तरह के मसाले वाले पुलाव वगैरह होते हैं ये बिल्कुल उससे अलग है, सिंपल भी है और टेस्टी भी बहुत है। ये ख़ास बात है कि इसमें मसाले तो बिल्कुल नहीं डलते हैं, और मैंने भी इसी तरह ही रेडी की, और मैंने अपनी दोस्त से कहा कि आप मेरे घर आएँ और मुझे ये डिश सिखाएँ, तो मैंने अपने तरीके से बनाना शुरू की। जिस तरह हम प्याज ब्राउन करते हैं और अदरक लहसुन तो खैर डलता है, लेकिन ढेर सारा टमाटर और दही और बाकी मसाले जो होते हैं वो मैंने सब ऐड करके उसका मसाला रेडी कर लिया कि जब वो आएंगी तो उनको मैं दिखाऊंगी कि भई ये ठीक है। जब उन्होंने आया तो उन्होंने सारा मसाला वेस्ट कर दिया, उन्होंने कहा नहीं इसमें कुछ भी नहीं डलता है, इसकी यखनी में भी नमक के अलावा कुछ नहीं डलता है, और मसाले में भी सिर्फ अदरक लहसुन जाएगा, प्याज जाएगी, हरी मिर्चें जाएंगी और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डलती, और थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा। फिर उन्होंने मुझे बनाना सिखाया तो वाकई वो बहुत ज़बरदस्त बना, बच्चों को तो बेहद पसंद आया, हस्बैंड को, सबको, मेहमानों को, क्योंकि उसका फ्लेवर ही डिफरेंट था। वो एक मसाले वाला जो हम बनाते हैं उसका जायका थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो भी बहुत अच्छा बनता है लेकिन उसकी वो अलग चीज़ हो जाती है। उसमें एक जब आप ये किशमिश और गाजरें आप डालते हैं उसका एक हल्का सा मीठा मीठा सा फ्लेवर आता है, तो वो बहुत मज़ा देता है। तो थोड़ा सा हम ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, लाइट से इसको करेंगे, फिर अदरक लहसुन और हरी मिर्ची शामिल करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूँगी। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, एक सा पुलाव एक सी बिरयानी खा खा के दिल भर जाता है, और बच्चों को भी चेंज चाहिए होता है कि ये भी डिफरेंट सी चीज़ है। तो जब मेरे बच्चों ने फर्स्ट टाइम खाई तो उनको बहुत अच्छी लगी, आहिस्ता आहिस्ता वो कहने लगे कि भाई यही बना लिया था ना, मैंने कहा इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है। हरी मिर्चें जो मैंने पीस कर रखी थी ये इसमें शामिल कर रही हूँ। ये मटन शामिल करूंगी, मटन बहुत अच्छा सा गलावा होना चाहिए।
ये गरम मसाले में अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके, ये ज़ीरा मैंने रखा था कूट के, वो भी ऐड कर दूँगी, बस इतना काफ़ी है। और नमक और ये यखनी जाएगी इसमें। ये भी शामिल कर दिया मैंने और इसको कवर कर दिया ताकि इसका जोश आ जाए, तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। गाजर और किशमिश है, उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक टेबल स्पून जितना ऑयल मैंने डाला है। और इधर साइड पर मेरी बेटी बेकिंग कर रही है, सिनेमन रोल बना रही हैं अपनी भाभी के लिए। ये गाजरें जो हैं इसे इसमें शामिल करेंगे। और ये 1.5 चम्मच है बड़ा इसका चीनी का, ये मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसमें मीठा बनाना चाहिए। ये किशमिश भी इसमें शामिल कर दिए। इसको 1 या 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। और सिरका हमने छोटा टीस्पून यूज करते हैं, बस ये इतना काफी। वहाँ हमारा पानी बॉयल हो रहा है, यखनी बॉयल हो रही है, और यहाँ ये इसको हम रेडी कर रहे हैं ताकि ये हम इसे दम में शामिल करेंगे। यहाँ हमारे ये सब्जी और किशमिश, गाजर और किशमिश सौटे हो गई हैं, इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। और यहाँ हमारी यखनी जो है वो भी, इसको भी जोश आ गया है। पानी मैंने निकाल लिया। नमक आप रख लीजिएगा क्योंकि मैंने अपने हिसाब से डाला है, आपको जितना पसंद है आप डालें, थोड़ा या ज़्यादा। अब इसको खुला कवर नहीं करूँगी, खुला करके पकाऊँगी ताकि इसकी यखनी कुछ हो जाए और फिर दम पर देंगे। अभी से मैंने खुला कर दिया है, कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि यखनी ज़रा चीज़ ज़्यादा है और खुला होकर इसको पकाना है, खुला रख के इसको पकाना है ताकि ये पानी इसके यखनी का खुश्क हो जाए। फिर कवर करके मैं इसको दम दूंगी और फिर आपको दिखाते हैं। चावल पक रहे हैं और जोश काफ़ी ज़्यादा आ गया है, बस 2-3 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे, दम पर आ जाएंगे। खुश्क हो गया था यखनी और ये सब मैंने ऊपर डाल दिया है। अब चावल दम पर हैं, बस 5 मिनट में ये तैयार हैं। ये थोड़ा वजनी चीज़ रख दूँगी जी। हमारा काबली पुलाव तैयार है, आइए डिश आउट करते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे पहले। तो जी ये है हमारा काबली पुलाव तैयार हो गया है, मैंने टेस्ट भी कर लिया है, बहुत मज़े का बना है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मिस ना कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।